COVID-19 यानी कोरोना वायरस से आज दुनिया डरी हुई है। सबके मन में भविष्य को लेकर सवाल है, बहुत सारे सवाल, और भविष्य के हर सवाल का जवाब होता है इतिहास में। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका जन्म हुआ है साल 1900 में, तो आपके 14th जन्मदिन यानी कि 1914 में शुरू हुई World War I, पहला विश्व युद्ध, और वो युद्ध खत्म हुआ आपके 18th जन्मदिन पर। मरने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़। उसी साल 1918 में आई एक महामारी, स्पेनिश फ्लू। 2 साल चली इस महामारी में मरने वालों की संख्या 5 करोड़, जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ जाने अकेले भारत में गई। फिर आपके 29th जन्मदिन यानी 1929 में आया द ग्रेट डिप्रेशन, जो चला आपके 33rd जन्मदिन तक। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह तबाह। जैसे ही आप 39 साल के हुए, आपने देखा मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष, World War II, द्वितीय विश्व युद्ध। मरने वालों की संख्या लगभग 7.5 करोड़। और फिर हुआ हिंदुस्तान का बंटवारा आपके 47th जन्मदिन पर, जिसमें लाखों लोग मरे और न जाने कितने बेघर हुए। और फिर शुरू हुआ सिलसिला जंग का, भारत और चीन की जंग, भारत और पाकिस्तान की जंग। सोचिए क्या क्या नहीं देखा दुनिया की उस सदी में। लेकिन दुनिया चलती रही, टूटी लेकिन टूट के वापस जुड़ती रही। ठीक वैसे ही अब हम भी जीतेंगे, थोड़ा सा टूटेंगे लेकिन फिर वापस जुड़ेंगे। जरूरत है हिम्मत की, समझदारी की, और एक दूसरे के साथ की, क्योंकि अब हमने ये ठाना है कोरोना को हराना है। जय हिंद।